जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका इंडियन आर्मी के रिजल्ट को लेकर। साथियों, इसके अलावा आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के अलग अलग कंसर्न थे, उस सारे कंसर्न को दूर करने वाला हूं। और साथ ही आपके रिजल्ट कब तक आ जाएंगे, आप रिजल्ट कहाँ पर चेक कर पाओगे, इन सारी बातों को लेकर के भी हम लोग यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। पहले साथी आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये आपका इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट। साथी यहाँ पर देखिए आपका ये CCE रिजल्ट, आप सारे बच्चे यहाँ पर देख सकते हो कि भैया ये आपका देखिए जहाँ पर लिखा हुआ CCE रिजल्ट, साथी आपका रिजल्ट यहीं पर अपडेट होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे साथी हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए आपके सामने शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर HQ रिक्रूटिंग जोन 2023-24 20 मई 2023। यानी आप देखिएगा साथी, पहले का रिजल्ट है जो बच्चों के पहले रिजल्ट आए हुए थे उसके, यानी आप देखिएगा साथी, जैसे आपका रिजल्ट आने वाला होगा ये मान के चलिएगा आपका करीब करीब 15 मई के बाद। ठीक है, 15 मई के बाद साथी आपका ये हट जाएगा और आपका रिजल्ट 20 मई के बाद, यानी आपका करीब करीब 20 मई के बाद और 25 मई के आसपास आपका रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए सारे ARO's के, सारे ZRO's के भाई जो रिजल्ट हैं वो अलग अलग तरीके से आएंगे, यानी अलग अलग आएंगे, यानी आपका एक साथ सारे रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक, अब दूसरा साथी आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि फिजिकल को लेकर के आपको ध्यान रखना है भाई, कि फिजिकल को लेकर देखो एक बड़ा अपडेट है। बड़ा अपडेट साथी आपका क्या है, मेरी बात को समझिएगा, आप में से जो बच्चे इस चीज़ को फॉलो करोगे उनके बहुत फायदा होगा आगे चल के। जैसे भाई जिसका अगली बार रिजल्ट है, जब पहली आपका 2023 वाली भर्ती में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, ठीक है, सारे बच्चे इसको ध्यान रखिएगा, जिनका इसके पहले एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, जिनका फिजिकल हुआ था फर्स्ट फेज में, जिनका फिजिकल फर्स्ट फेज में हुआ था उनका फिजिकल इस बार सेकंड फेज में है, और जिनका सेकंड फेज में था उनका फर्स्ट फेज में है। यानी आप देखिएगा जो सेकंड फेज वाले बच्चे थे पिछली बार, उनका जब फिजिकल फर्स्ट फेज में होगा आप देखिए कितना समय मिलने वाला, क्योंकि आपका ये मान के लिए 20 जून के बाद आपके फिजिकल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट आपका देखने को ये मिलेंगे कि वो फिजिकल में बहुत मैक्सिमम बच्चे आपके फेल भी होने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ कि आपके अगर 25 क्वेश्चन प्लस हैं, 26 क्वेश्चन प्लस हैं, आप फिजिकल की तैयारी करो, 100% मेरी बात पर भरोसा करिए, आपका नाम फिजिकल के लिए तो आएगा। अच्छा, नाम अगर फिजिकल के लिए आएगा साथी तो आप फिजिकल में जाओगे जरूर, ये तो आपको तय है। ठीक है, आप जाओगे 100%। अब देखिए फाइनल रिजल्ट होना अलग बात है, क्योंकि देखो फाइनल रिजल्ट आपका 30-32 क्वेश्चन के आसपास होगा, ये तय बात है, आपका 32 क्वेश्चन के आसपास ही लगेगा आपकी मेरिट, वो तय बात है। देखिए जिन बच्चों ने क्या कर रखा है, आपका कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है या किसी ने अपना बोनस के लिए NCC वगैरह लगा रखा है, भाई उनके तो चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन भाई मान लो जिसका नॉर्मल कैंडिडेट है, अगर आप 25-26 क्वेश्चन सही करके आते हैं आपका फिजिकल के लिए आएगा, आप जाओगे जरूर। तो साथी इसलिए आपको प्रयास ये करना है कि अगर आपके 26-27 क्वेश्चन आप फिजिकल करते रहो, हो सकता है भाई नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा आपका फेल हो फिजिकल में, जिसके हाई नंबर हो वो भी फेल हो, तो चांसेस बढ़ेंगे आपके, इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ। और देखो इस बार आपका हर एक ARO में देख रहे हो आपका 50-60 वैकेंसी एक्स्ट्रा आपकी है। ठीक है साथी, एक वीडियो में आपको लिए लेकर के आने वाला हूँ बहुत जल्द, जहाँ पर आप देखोगे किस ARO में कितनी वैकेंसीज के आसपास इस बार रह सकती हैं, आप तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, मेरा आप लोगों से कहना होगा कि अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो फिजिकल की, समय आपके पास मुश्किल से आपका मान के लिए 35-40 दिन का है। ठीक है, जिनका फर्स्ट फेज में फिजिकल होना है, इसलिए भाई फर्स्ट फेज में बच्चे फिजिकल में बहुत आउट होने वाले हैं, सेकंड फेज में समय मिल जाएगा उनको। ठीक है ना, तो भाई आज के इस वीडियो में इतना ही, सारे बच्चे तैयारी में लग जाओ साथी, और देखिए जैसे आपका रिजल्ट यहाँ पर आना होगा साथी, यहीं पर चीज़ें आपकी अपडेट होंगी, आप सारे बच्चे यहाँ पर CCE रिजल्ट के कॉलम में जाकर के चेक भी कर पाओगे। साथी आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, नमस्कार सभी साथियों को।